सुबह उठने के बाद आंगन में लगी तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना, फिर राम नाम के जाप के बाद पूजा शुरू करना, पति सचिन के साथ बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना और साथ बैठकर नाश्ता करना, इसके बाद दिन की शुरुआत करना। ये दिनचर्या है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का। सीमा अब धीरे धीरे भारत के रंग में रंगने लगी है। वह हर सुबह अपने आप को ऐसे ही तैयार करती है जैसे एक भारतीय महिला तैयार होती है। आज हम आपको जेल से छूटने के बाद सीमा की दिनचर्या, उसके मोहल्ले के लोगों में घुलना मिलना, इंडियन कल्चर को समझने और एक इमोजी के साथ शुरू हुई प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में किराए के एक कमरे के मकान में सचिन सीमा अपने चार बच्चों के साथ रह रही हैं। घर में सीमा के बच्चे खेल रहे हैं, चारों तरफ उनका सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कमरे में दो चारपाई पड़ी हुई हैं, जिस पर बिस्तर पड़ा है। कमरे में ही किचन का भी सामान रखा हुआ है, जो सामान पाकिस्तान से सीमा लाई थी वह भी कमरे के कोने में रखा हुआ है। सीमा बताती है, यहाँ की हर चीज मुझे अलग लगती है, इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। भारत आने के बाद सीमा पूरी बदल चुकी है। माथे पर लाल बिंदी, सिर पर पल्लू, हाथ में लाल चूड़ियाँ, पैरों में पायल, बिछिया और गले में राम नामी दुपट्टा डाले सीमा बहुत प्यारी लगती है। उसको इस रूप में देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह कभी मुस्लिम थी। उसके चेहरे पर अपना प्यार पाने की चमक साफ दिखाई देती है। जेल से वापस आने की वजह सीमा हैदर अब खुलकर लोगों से बात कर रही हैं। वह अपने आसपास की महिलाओं से मिलती हैं, उनसे बातचीत करती हैं। और सीमा महिलाओं और मोहल्ले वालों के साथ मिलने जुलने के लिए उनके साथ गाने भी गाती हैं। कुछ न कुछ नया बनाकर महिलाओं को खिलाती रहती हैं। सीमा के बारे में मोहल्ले के लोग बताते हैं कि जब हमने इसको पहली बार देखा तो कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन तब हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाए थे। बाद में हमें पता चला कि ये पाकिस्तान से चोरी से आई हैं और यहाँ पर अपने चार बच्चों के साथ रह रही हैं। हम लोग तो ये जानकर बहुत डर गए थे, हमें लगा कहीं ये कोई खुफिया तो नहीं, लेकिन जब हमने इसको जाना तो हमें यकीन हो गया कि हर पाकिस्तानी बुरा नहीं होता है। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सीमा के पास हिंदुस्तानी कपड़े कम थे, वे ज्यादातर पाकिस्तान से लाए सूट ही पहन लेती। तब हम लोगों ने उनको मुंह दिखाई में साड़ियाँ दी, वहीं कुछ लोगों ने उसको सुहाग का सामान, पायल बिछिया भी दी। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग लोगों ने उसको लिफाफे दिए थे। मोहल्ले के बच्चे भी सीमा से मिलने चॉकलेट लेकर गए थे। जेल से आने के बाद मोहल्ले में रहते हुए सीमा को 10 दिन हो चुके हैं। धीरे धीरे अब घर के बाहर से लोगों की भीड़ कम होने लगी है। अब मोहल्ले में बारिश का पानी भरा हुआ है, ऐसे में उसके घर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। सचिन भी अब फिर से अपनी दुकान पर वापस लौट चुका है। वहीं इन सारी खुशियों के बीच एक बात सीमा को बहुत परेशान कर रही है। वे उदास मन से कहती हैं कि अपने प्यार के लिए वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ चुकी हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सीमा के बच्चों को भारत के किसी भी स्कूल में तब तक एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक वह यहाँ की नागरिकता नहीं ले लेती है। इस काम में 1 से 2 साल का समय लगेगा। ऐसे में वह बच्चों को खुद ही घर पर थोड़ा बहुत पढ़ा देती हैं। सीमा कहती हैं कि उसके बच्चे घर पर पढ़कर नॉलेज तो ले सकते हैं, लेकिन डिग्री कहाँ से लाएंगे। घर की आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए सीमा कहती हैं कि मेरे पति महीने का 10,000 रुपए कमा लेते हैं, इतने में घर चलाना और बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है। मैं खुद भी कहीं कुछ काम करूंगी, अब कोई बड़े ऑफिस वाले तो मुझे नौकरी देंगे नहीं, मैं खुद का ही कुछ काम जल्द ही शुरू करूंगी।